कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है। जिन लोगों को पावर में रहने का ज्यादा ये था, तो इतने साल से आप नेता हो देश के, तो अपना स्टेट भी आप संभाल के नहीं रखे हो, और आपकी जो असलियत है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, वो भी उसका भी यूज कैसा किया गया केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने, ये देश की जनता को पता है। वैसे ही आज जम्मू कश्मीर के अगर चुनाव आते तो इनका यूज़ वहाँ पे किया जाएगा, और वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो साइड ट्रैक किया जाएगा, तो वो उनको समझना चाहिए, बड़े नेता है उनके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन हमारे नेता पे ज़्यादा वार करेंगे तो हमारे जैसे सामान्य भी कार्यकर्ता उनके बारे में बोलने के लिए हिचकेगा नहीं। लेकिन हमारे सामने ये इशू नहीं है, हमारे सामने संविधान तोड़ने की जो बात केंद्र की सरकार बार बार कर रही है, तोड़ दिया है। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस के माध्यम से हर राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, केंद्र की सरकार पूरा अपने कब्जे में रखना चाहती है। हमारी सांघिक प्रणाली हमारे संविधान ने हमें दिया है, उस बात को भी केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और जिस तरह से देश को तोड़ा जा रहा है, और इस तरफ से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान के इश्यू हो, गरीबी हो, इस इशू को और देश को एक साथ रखकर चाइना जैसे देश हमारे देश में घुसखोरी कर रहा है, उससे देश को बचाना, ये कांग्रेस का दायित्व है, और इसलिए हम उनके बातों पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहते, और वो हमारा इशू भी नहीं है।